सांसद शंकर लालवानी ने संस्था श्लोक संस्कृति मंच से आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के माध्यम से हस्तशिल्प कला और संस्कृति से जुड़ी विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांसद ने शनिवार को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के साथ सांसद ने शनिवार को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के तहत संस्था श्लोक संस्कृति मंच के भारत प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां मिट्टी, गाय के गोबर और प्राकृतिक सामग्री से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि पंचगव्य में जुड़े उत्पाद हमारी ग्रामीण संस्कृति का आधार रही है। इस प्रशिक्षण केंद्र में न सिर्फ कला से जुड़े लोगों को फायदा होगा बल्कि गोपालक भी आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता बहुत बड़ी ताकत है और कला हस्तशिल्प आदि से जुड़े उत्पादों का न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय के लिए भी मदद की जाएगी। आगे सांसद ने कहा कि लोक संस्कृति मंच पिछले 22 वर्षों से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का काम करता आ रहा है। इसी श्रृंखला में अभी स्थायी प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है जहाँ माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। इंदौर से ब्यूरो दीपक सिंह के साथ अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। नव दुर्गा के उत्सव के उपलक्ष्य में आज हमने 9 कन्याओं का कन्या पूजन रखा था और उन कन्याओं का ये कन्याएं जो हैं मध्यम परिवार की कन्याएं हैं और माँ को बेटी हैं, बेटा नहीं है, ये सब बेटियां हैं, उनका हमने यहाँ पर सम्मान किया था। मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की समृद्ध योजना सुकन्या समृद्ध योजना, उसके तहत हमने छोटी सा ये प्रयास किया है, 5,000 की इनकी FD बनाई है। 10 साल की छोटी बच्चियां हैं और जब ये 18 साल की हो जाएंगी तो उनको डबल होके पैसा मिलेगा, ऐसा हमने ये विचार बनाया था कि इन बच्चियों का सम्मान करें। और यहाँ पर माननीय सांसद शंकर लालवानी जी, लोक संस्कृति मंच और हमने मिलके किया है ये कार्यक्रम और इन बच्चियों का नव दुर्गा के उसमें हमने 9 गिफ्टें और 5,000 की FD जो है इनको वितरण किया था। कंचन गिदवानी, पूर्व पार्षद। अष्टमी पर हम कन्याओं का पूजन करते हैं, इस बार अनूठा कार्यक्रम हुआ है क्योंकि सामूहिक रूप से बड़ा कार्यक्रम, गरबे का या अन्य कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अष्टमी पे जो कन्या पूजन का कार्यक्रम है उसमें लोक संस्कृति मंच और उनके पूरे सहयोगी टीम ने कन्याओं के पूजन के साथ साथ सुकन्या योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की FD दी है और ये FD जब हमारी बालिका 18 साल की हो जाएगी तो मैच्योर होकर मिलेगी। एक संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री ने लाडली योजना लागू की उसी प्रकार केंद्र ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या ये योजना लागू की, ये कन्याओं के लिए, जो कन्याएं 10 वर्ष से कम गए उनके लिए FD बनाए, 18 वर्ष की होगी तो उनको मैच्योर होकर मिलेगी और उस समय उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पार्षद कंचन गिडवानी और उनकी पूरी टीम ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, एक अच्छा कार्यक्रम है, एक अच्छा संदेश समाज को देने का प्रयास किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।